दोस्तों आप सभी ने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म तड़ीपार जरूर देखी होगी। तड़ीपार फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती पूजा भट्ट की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया था और इस फिल्म के गाने भी लाजवाब रहे थे। इस फिल्म में निभाए गए हर एक किरदार को लोगों ने बेहद पसंद किया था। उसी में से एक किरदार था विक्रम गोखले का भी। विक्रम गोखले आपको याद होंगे जो कि पूजा भट्ट के मंत्री कह सकते हैं रहते हैं, जो कि उनकी देख रेख करते हैं, लेकिन आखिर में विलन भी वही रहते हैं। कुछ इस तरीके की फिल्म तड़ीपार में यह कहानी दिखाई गई थी और इस एक्टर का अब निधन हो चुका है, यानी कि आज इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और हम सबको छोड़कर चले गए। अपनी कई यादगार फिल्मों से लोगों को मनोरंजन करने के बाद इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बता दें कि बीते दिन इनकी मौत की खबरें आई थी, लेकिन वह एक अफवाह थी, लेकिन अब इस खबर की सच्चाई सामने आ चुकी है और इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिवंगत अभिनेता विक्रम गोखले, जिन्होंने कई सारी फिल्में की हैं, हिंदी हो चाहे फिर हो साउथ, कई सारी फिल्मों में इन्होंने कई सारी सुर्खियां बटोरी हैं। इनकी मौत की जानकारी इनकी बेटी ने दी है और बताया है कि हम यह पुष्टि करते हैं कि विक्रम गोखले जी का आज दोपहर निधन हो गया। हम इस मुश्किल समय में सभी से उनका समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। विक्रम गोखले ने तड़ीपार के अलावा कई और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, लेकिन तड़ीपार में इनके किरदार को और इनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया और उस फिल्म से भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। बहरहाल हमारी तरफ से भी विक्रम गोखले जी को दिल से श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि।